नमस्कार दर्शकवीन, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक और लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे आपके घर में छोटे छोटे जो बाधाएँ समस्याएँ नाना प्रकार के उपाय करने पर भी उसका फल नहीं मिल पाना, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे आज। आप ध्यान से सुने, ये सुपारी के गणेश जी हैं। इस सुपारी को गणेश जी आप घर में स्थापित करना है, आपको ले जाना है। उससे पहले आपको क्या करना है, एक भोजपत्र लाकर उसमें अपने नाम गोत्र और मनोकामना उस भोजपत्र पर लिखना है। अनार की टहनी हो, तुलसी की टहनी हो, इससे रोली मिलाकर उससे लिखना है आपको। लिखने के बाद उस भोजपत्र को मोड़कर आप गणेश जी के नीचे रखकर इनको ऐसा स्थापित करेंगे। गणेश जी का मुंह पश्चिम की तरफ हो और पूजा करने वाले के मुंह पूरब की तरफ हो, ये ध्यान रखना। जब भोजपत्र नीचे रखकर आप पूजा करेंगे अपने तरफ गणेश जी का मुंह करके, इस पे आपको एक अथर्व शीर्ष नामक एक पुस्तक होता है, उस पुस्तक की पारण करेंगे। जो भी मनोरथ है आप उसमें लिखना है, अपने नाम गोत्र लिखना है। उसके बाद गणेश जी के सामने बैठ के दिया बत्ती करके अथर्व शीर्ष नाम का जो पुस्तक होता है उसका आपको पारण करना है। अस्तमित्र, आज के लिए इतना ही। एक और रोचक वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा, जब तक के लिए राधे राधे।